आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी और इसमें आप ही का फायदा है और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा, क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें या फिर अपने घर पर पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए हम आज के दिन के अनुसार आज के वचन को पढ़ेंगे। आज 9 तारीख है, नीति वचन 9वां अध्याय पहली आयत से। आज हम जान पाएंगे बुद्धि, बुद्धिमान व्यक्ति और मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति, और हमें बुद्धि कैसे मिलती है और भी कई सारी बातें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। शुरुआत करते पहली आयत से। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए। मतलब लोग प्रचार कर रहे हैं आज, जिसको परमेश्वर का वचन नहीं पता वो भोला है, उसको नहीं पता कि वो नरक की ओर जा रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है बार बार सुसमाचार प्रचार करने वालों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, कि मुड़कर मेरे पास आओ। और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, प्रभु आज कहता है कि आओ मेरी रोटी खाओ, मतलब मेरी आत्मिक रोटी खाओ, जिससे तुम अनंत काल तक के लिए कभी भूखे ना रहोगे। और मेरे मसाला मिला हुआ दाक मधु को पियो और भोलों का संग छोड़ दो। भोलों का संग छोड़ने के साथ साथ और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। अब जीवित कैसे रह पाएंगे? जीवित जब ही रह पाएंगे जब जीवन के मार्ग पर चलेंगे। जीवन का मार्ग क्या है? यीशु। यीशु ने कहा जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। और भोलों का संग छोड़ना, भोलों का संग मतलब जो खुदा के नाम को नहीं जानते और जो खुदा पर भरोसा नहीं करते, जो खुदा को तुच्छ जानते हैं या फिर खुद मतलब बिल्कुल परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, ना ही उसकी बातों को सुनना चाहते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते हैं, वो भोले हैं। क्योंकि वो शैतान के चंगुल में थे और शैतान ने उनको इस तरीके से भरमा रखा था कि वो इस प्रकार के भोलेपन के कारण, वो बुद्धि ना रखने के कारण, बुद्धि कैसे मिलेगी परमेश्वर का डर मानने से? वो डर तो जब ही मान पाएंगे जब प्रभु को जानेंगे। इसलिए तो वो भोले कि वो प्रभु को नहीं जानते। तभी तो वो मतलब शैतान ने उनको ऐसा बना रखा था कि वो अधोलोक की तरफ जा रहे थे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि भोले मत बनो, इसलिए मेरा भय मानो, मेरे पास आओ और जीवित रहो और मेरे मार्ग पर सीधे चलो और मेरा भय मानकर बुद्धि प्राप्त करो, ताकि तुम अनंत काल का जीवन पाओ और आशीष पाओ और बुराई से बैर करो और सच्चाई खराई पवित्रता का जीवन जी पाओ, दूसरों के लिए और आशीष का कारण बनो और आशीष और उद्धार के साथ साथ तुम परमेश्वर की महिमा भी करो। लिखा है 7वीं आयत में, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मतलब अगर हम परमेश्वर का डर मानेंगे ना तो हमें बुद्धि मिलेगी। बुद्धि हमें कैसे मिलती है? ऐसे ही नहीं मिल जाती है, परमेश्वर का डर रखने से हमें बुद्धि मिलती है। डर क्या? प्रभु कहता है झूठ मत बोलना, चोरी ना करना, दोष ना लगाना, गाली ना बकना, व्यभिचार ना करना और अनादर ना करना, तो मेरी आज्ञा का पालन करना। अगर हम ये सब चीज़ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर देना, अगर हम बुराई ना करके वरन भलाई करने के लिए तैयार रहेंगे तो हमें बुद्धि प्राप्त होगी, जिस बुद्धि के द्वारा हम खुदा के मार्ग पर चल पाएंगे और शैतान के सर को कुचल पाएंगे और हमारा जीवन नाश होने से बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने बुराई से बैर किया है, जिसके कारण हम प्रभु ने हमें बुद्धि दी है और अपने मार्ग पर चलाया है, जिसके लिए हमें दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण भी बनाया है और हमें जीवन के मार्ग पर चलाया जो यीशु है। और लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर हम जितना हम परमेश्वर को खोजेंगे, जितना हम परमेश्वर को जानने की इच्छा रखेंगे, उसकी उसको उसकी बातों को समझने सीखने के लिए भूख और प्यास रखेंगे, उतना हमें समझ प्राप्त होगी, ताकि हम उसकी घड़ी घड़ी बातों को समझ पाएं, शैतान की चालों को कुचल पाएं। और प्रभु यहाँ कह रहा है 11वीं आयत में कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके डर के द्वारा। जब जब हम बुराई से बैर करते हैं ना तो तब तब हमें बुद्धि मिलती है। जब जब हम बुराई को नो करते हैं तब तब हमें बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलता है और हमारी आयु बढ़ती है, हमारा जीवन बढ़ता है। हम धन में, प्रेम में, आशीषों में, बरकतों में, चंगाई में, छुटकारों में, सब प्रकार की फलवंत फ्रूटनेस में हम बढ़ते जाते हैं।
कब? जब हम बुराई से बैर करते हैं, खुदा का डर रखते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारी आयु बढ़ती है और हमारे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। आज आप देख सकते हो जो लोग खुदा का भय नहीं मानते, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, आपको शायद माइकल जैक्सन के बारे में पहले भी बताया था, माइकल जैक्सन ने किस पर भरोसा रखा? उसने अपने धन पर भरोसा रखा, उसने खुदा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपना बुढ़ापा भी नहीं देख पाया। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में हम जानते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ भी सुनी है कि बहुत से लोग अपने बुढ़ापे को भी नहीं देख पाए। कोई धन पे भरोसा रखता है, कोई अपने पर भरोसा रखता है, कोई कुछ, कोई सोचता है कि मेरा पैसा बचा लेगा, कोई कहता है भाई मेरे पास बहुत बुद्धि, बहुत ज्ञान, बहुत समझ है, मेरा नौकरी बिजनेस अच्छा है, सो बात है। लेकिन वचन कहता है कि जो परमेश्वर का डर मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है और जो बुराई से बैर करता है, पवित्रता सच्चाई खराई का जीवन जीता है, तो उसी बात के द्वारा, बुराई से बैर करने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, परमेश्वर का डर मानने के द्वारा हमारा जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लिखा है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, मतलब मेरा डर मानने के द्वारा। और अगर तू मुझे प्राप्त करेगा, किसे? मतलब बुद्धि को और परमेश्वर के डर को अगर हम प्राप्त करेंगे, उसकी आज्ञाओं को प्राप्त करेंगे, तो हमारी आयु बढ़ेगी, हमारे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। क्योंकि वचन बता रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायुष तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वचन में लिखा है, अगर हम भजन संहिता 91 पढ़े, लिखा है तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। छुड़ाना मतलब बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी परेशानी, तकलीफ, दुख, कलेश, आंसू, दर्द, पीड़ाएं, सब प्रकार की समस्याओं से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आजाद करूंगा, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला निश्चय अभी जीवित है, क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा रखा है, और मैं तुझे निश्चय छुड़ाऊंगा, जरूर छुड़ाऊंगा। क्योंकि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा वो कभी लज्जित नहीं हुए और उनके मुंह कभी काले नहीं हो पाए। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, तूने मेरा भय माना है, तूने मेरे मार्गों पर चलने के लिए ठान लिया है। तू बुराई से बैर करता है, तू बुराई से बैर करती है, और तुझे मैं दीर्घायुष तृप्त करूंगा और तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा। ये सब बातें प्रभु कह रहा है किसके लिए? जो खुदा का भय मान रहा है, जो बुराई से बैर कर रहा है, जो पवित्रता का जीवन जी रहा है, जो खुदा की आज्ञाओं को अपने लिए रखता है और उसके अनुसार चलता है, ये बातें, ये वायदे उसी के जीवन में पूरे होंगे। और लिखा है यदि तू बुद्धिमान हो, मतलब अगर तू परमेश्वर का डर मान रहा है, बुराई से बैर कर रहा है, तो तुझे बुद्धि मिलेगी, तो तू बुद्धिमान हो गया। अगर तू ऐसा कर रहा है ना, तो बुद्धि का फल तुझे मिलेगा। बुद्धि का फल क्या है? अगर आप भले काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर का डर नहीं रख रहे हो, लेकिन अगर फिर भले काम कर रहे हो, तब भी उसका फल मिल नहीं सकता। क्योंकि लिखा है तेरे सारे धार्मिक काम मेरे सामने मैले चितड़ों के समान है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तू भले भले धार्मिक काम कर रहा है, पूजा पाठ, दिया धूपबत्ती, अगरबत्ती कर रहा है और पूजा पाठ कर रहा है, दुनिया भर का भले काम कर रहा है, लेकिन तेरे शब्द, तेरे काम, तेरा व्यवहार पापमय जीवन है। तू भले ही परकम्मा लगा रहा है, लेकिन तेरे मुंह से गालियां बंद नहीं हो रही है। तू भले ही प्रसाद चढ़ा रहा है, तू भले ही भले काम कर रहा है, तू भले ही उपवास रख रहा है, लेकिन तू व्यभिचार कर रहा है, गलत और गंदी फोटो देख रहा है, तूने बुराई से बैर किया ही नहीं है, तो तुझे बुद्धि का फल कहां से मिलेगा? क्योंकि तू तो अनादर कर रहा है, तू परमेश्वर के वचन का पालन ही नहीं कर रहा है, तो तेरा जीवन कैसे बढ़ सकता है, तेरी आयु कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि तूने पाप में हाथ मिला रखा है और तू अपने आप को धोखा दे रहा है कि तू भले भले काम कर रहा है उसके कारण तेरा भला होगा। नहीं, वो सब धोखा है, क्योंकि ऐसे धार्मिक काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चितड़ों के समान है, मतलब एक पोचे के समान है, कूड़े करकट के समान है। लेकिन जो अंदर से निष्कपट है और परमेश्वर का डर मानता है, बुराई से बैर करता है और अपने जुबान पर नियंत्रण करके परमेश्वर की महिमा करता है, तो उसी को परमेश्वर ब्लेस करेगा, उसी को छुड़ाएगा, उसी को आशीष देगा, उसी को आजाद करेगा, उसी को चंगाई देगा, उसी को छुटकारा देगा, उसी का उद्धार करेगा, उसी को बचाएगा, उसी को चंगा करेगा, उसी को बलवंत करेगा, उसी को आशीषित करेगा। लिखा है यदि तू बुद्धिमान हो, जैसे कि अभी आपको बताया, जो परमेश्वर का डर रखता है, जो बुराई से बैर करता है, उसे ही बुद्धि मिलती है। जो बुराई से बैर करता है वही बुद्धिमान है, क्योंकि परमेश्वर का डर उसी के अंदर आता है जो बुराई से बैर करता है, और जो बुराई से बैर करता है, जो गलत कामों को नो करता है हमेशा, उसी के अंदर परमेश्वर की बुद्धि आती है, और उसी को प्रभु कह रहा है तो बुद्धिमान है ना, क्योंकि तूने मेरा बैर नहीं वरना तूने मुझसे प्रेम रखा है और गलत कामों से बैर रखा है, तूने बुराई से बैर रखा है, तो तू बुद्धिमान हो गया, और इसी के कारण तुझे फल मिलेगा, तुझे आशीषित करूंगा, तेरे हदों को बढ़ाऊंगा, तुझे वचनों में, प्रकाशों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, आत्मा में, ताकत में, अनुग्रह में बढ़ाता जाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे दीर्घायुष ब्लेस करूंगा, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तुझे भला चंगा रखूंगा, तुझे अच्छी सेहत दूंगा, तू मेरी आंख की पुतली की नाई होगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तूने बुराई को हमेशा नो किया है, तूने संसार के कामों में हाथ ना मिलाकर, वरन तूने उन गलत बातों को, गलत विचारों को, गलत कामों को, गलत शब्दों को, गलत व्यवहारों को तूने हमेशा नो किया है, गलत आदतों को तूने हमेशा नो किया है, तो उनमें हाथ नहीं मिलाया, इसलिए मैं तुझे आशीषित करूंगा, इसलिए मैं तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन यदि तू
ठट्टा करे, मजाक उड़ाए, निकम्मी व्यर्थ और हंसी ठट्टे वाली बातें करे, तू मेरी बातों को हल्के में ले रहा है। तो लिखा है दंड केवल तू ही भोगेगा। 12वीं आयत में साफ लिखा है यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल केवल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री होरा मचाने वाली है, वह तो भोली है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं जानती। कुछ इसलिए नहीं जानती क्योंकि बुद्धि नहीं है। बुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं रखती है, जबी तो कुछ नहीं जानती। लिखा है वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई है। कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ समझ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, टेंशन चिंता परेशानी कलेशों में बैठी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15वीं आयत में लिखा है बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह क्या कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है। कहने का मतलब वो निर्बुद्धि स्त्री, वो निर्बुद्धि पुरुष जो परमेश्वर का डर नहीं रखता, जो खुद दुख समस्या कलेश परेशानी कमी घटी बीमारी में पड़ा हुआ है, या कलेश और दुख और टेंशन चिंता परेशानी में है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भोला है। भोला इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं रखता है। डर तो जब ही मिलेगा जब प्रभु पे भरोसा करेगा। अगर भरोसा कर भी रहा है तो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तभी तो डर नहीं है। अगर डर नहीं है तभी तो भोला है, और भोला है जभी तो ये सारी समस्याएं हैं, जभी तो आजाद नहीं है। भोला इसीलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर का डर नहीं माना। अगर डर मानता, अगर बुराई से बैर करता तो ही परमेश्वर उसको छुड़ाता, उसको आजाद करता, उसको चंगा करता, बरकत देता, शांति देता, आशीष देता, छुटकारा देता, चंगा करता, आशीष देता, जरूरतों को पूरा करता। लेकिन परमेश्वर का डर माना ही नहीं उस स्त्री और उस पुरुष ने, और वरन वो दूसरों को और भरमा रहा है, दूसरों को और भरमा रही है। गलत संगति में खुद वे रह रहे हैं, खुद ऐसे कामों में रह रहे हैं, खुद ऐसे संगति में खड़े हो रहे हैं, दुष्टों की राह में पांव रख रहे हैं और दूसरों को भी बुला रहे हैं। लिखा है वे अपने 15वीं आयत में वे पटो ही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको ये क्या क्या कर पुकारती है। जो सही इंसान है, जो सही मार्ग पर जा रहे हैं, उनको भी बुला बुला कर कहती है। गंदी दुष्ट आत्माएं जो लड़का और लड़की के अंदर काम कर रही थी, जो गलत संगति में रहते थे, जिन्होंने खुदा का डर कभी माना ही नहीं है, जो गलत संगति पाप में लिप्त हैं, जो शारीरिक अभिलाषा के अनुसार जी रहे हैं, वो लोग उन सही चलने वाले, सही मार्ग पर चलने वाले लोगों को भरमा भरमा कर पुकार पुकार कर कहते हैं आओ शादी में चले, पार्टी में चले, अरे मैं टेंशन में, चिंता में, परेशानी में, समस्या में, ये तकलीफ वो तकलीफ, सो मुंह सो बातें, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, दुष्टों की राह में पांव भी नहीं धरना प्रभु मना कर रहा। लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा इन लड़का और लड़की के द्वारा उन लोगों को बुला रही जो सही मार्ग पर चल रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना कि कौन आपको बुला रहा है। अगर कोई आपको पाप के लिए बुला रहा है, पाप के संगति के लिए बुला रहा है, ठट्ठा करने वाली बातों के लिए बुला रहा है, तो ध्यान रखना आप अपने पाँव को गड्ढे में डाल रहे हैं। अगर पाँव गड्ढे में चला गया तो कुछ भी हो सकता है, भला नहीं होगा, इसमें बुराई था। लिखा है वो पुकार कर कहती है जो कोई भोला है, भोला मतलब जो परमेश्वर का डर नहीं रखता, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, अगर विश्वास करता है तो उसके अनुसार चलता नहीं है, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलता है ना, तो वो भोला है। जो अपनी इच्छा को पूरा करता है वो भोला है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता वो भोला है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का डर नहीं है। डर नहीं है इसलिए तो बुद्धि नहीं है, तभी तो वो भोला है, तभी तो वो गलत मार्ग पर जा रहा है। और लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है और उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और आगे लिखा है वह मुड़कर यही आए, जो भोला है वो मेरे पास आए, जो प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करना चाहता है वो मेरे पास आए, जो निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि तो वही है जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जिसमें परमेश्वर का भय नहीं है उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए तो वो निर्बुद्धि है। जो अपने अनुसार चलता है और अपनी अभिलाषा को पूरा करता है, जो संसार से प्रेम करता है, वो निर्बुद्धि है और वो भोला भी है। और उसी को कह रही है ये दुष्ट आत्मा कि जो निर्बुद्धि है उसे वे कहती है कि वो यहीं आए कि चोरी का पानी मीठा लगता है, आ जाओ मेरे साथ और गंदगी में चलो। चोरी का पानी मीठा लगता है, चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, हंसी ठट्टा करना, इन चीज़ों से आपका और मेरा पेट भरेगा, चलो ऐसे काम करते हैं, गलत संगति में चलते हैं, ये दुष्ट आत्मा लपेटती है, कभी लड़के के द्वारा कभी लड़की के द्वारा। और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है, और वह नहीं जानती, वो लोग नहीं जानते जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि वहां मरे हुए पड़े हैं। और उस स्त्री के नेवताहारी, जो उस स्त्री के द्वारा, उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, चाहे वो लड़के के द्वारा चाहे वो लड़की के द्वारा, वो दुष्ट आत्मा जो वो लड़की लड़के में काम कर रही है, उनके द्वारा जो बुलाए जा रहे हैं अच्छे भले लोग भी, लिखा है और उसके उस स्त्री के नेवताहारी जो बुलाए जा रहे हैं वो भी अधलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। मेरे भाई और बहनों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खुदा कह रहा है कि मेरा भय मान, अगर भय मानेगा तो तू बुराई से बैर कर पाएगा, और बुराई से बैर करना ही मेरा भय मानना है। अगर तू मेरा भय मानेगा तो तुझे बुद्धि मिलेगी, अगर तुझे बुद्धि मिलेगी तो सब कुछ तू अच्छे तरीके से कर पाएगा, पूरा जीवन तेरा सही चल पाएगा, तो नष्ट होने से बचेगा, नरक जाने से बचेगा, तू घर की सभी जिम्मेदारी को समझ पाएगा, समझ पाएगी, तो बुद्धि के द्वारा मेरे और नज़दीक आएगा, नज़दीक आएगी बुद्धि को प्राप्त करने के द्वारा, तू शैतान के सर को कुचल पाएगी बुद्धि को प्राप्त करने के द्वारा,
तू जयवंत होगी, तेरे आंसू पोछे जाएंगे, तुझे मार्ग पता चलेगा, तू समझ पाएगी, तुझे ज्ञान मिलेगा, बुद्धि के द्वारा तुझे पता चल पाएगा कि हर प्रकार की बात जो तुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोकती थी या जो तुझे आंसू में रखती थी, उनसे तुझे छुटकारा कैसे पाना है। बुद्धि के द्वारा तुझे पता चल पाएगा और बुद्धि के द्वारा ही तू मेरे नज़दीक आएगी, प्रभु आज कहता है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमें खुदा का भय मानना ज़रूरी है ताकि हम नाश ना हो। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। खुदावंद आपको संभाल कर रखे।